दोस्तों, ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि एनिमल किंगडम जानवरों का एक ऐसा खूनी अखाड़ा है जहां हर दिन किसी ना किसी जानवर की मौत होना तय है। यहां सिक्का उसी का चलता है जिसके हमलों में दम है, वरना आज अगर किसी की जान बच भी जाए तो कल का दिन मौत का होगा। ऐसे में हम आपको ऐसे एक जानवर के बारे में बताने वाले हैं जिसे जंगल में सभी को परेशान करने में महारत हासिल है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बंदरों के बारे में, जो दिन भर उछल कूद करने और दूसरे जानवरों पर हमले करते रहते हैं। आज हम आपको बंदरों की कुछ ऐसी लड़ाइयां दिखाने वाले हैं जिन्हें देख आप भी हैरान रह जाएंगे। मंकी वर्सेस ऑस्ट्रिच। सबसे पहले हम आपको जंगल के उस खतरनाक शिकारी पक्षी से रूबरू करवा रहे हैं जिसके सामने आने से पहले भी जंगली जानवर को 10 बार सोचना पड़ता है। इसका नाम है ऑस्ट्रिच, और खतरनाक होने के साथ ही ये दुनिया के सबसे बड़े पक्षियों में से भी एक है। मगर वहीं अगर बंदर को देखें तो ये इस शिकारी से भी पंगा लेने से नहीं हिचकता। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिच ने जंगल में एक खुली जगह पर अंडे दिए हैं, मगर जैसे ही बंदर महाराज की नजर इन पर पड़ती है तो वो इनकी तरफ दौड़ा चला आता है और आते ही एक अंडे को उठा लेता है। इतने में ऑस्ट्रिच उसे देख लेता है और बंदर को मारने के लिए उसकी तरफ पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ता है। इधर बंदर जैसे ही मुसीबत को देखता है तो एक अंडा उठाकर भागने लगता है, लेकिन भागते हुए वो अंडा नहीं संभाल पाता और उसे रास्ते में गिरा देता है। बंदर उस अंडे को उठाने के लिए वापस मुड़ता जरूर है, लेकिन खतरनाक ऑस्ट्रिच उसके पीछे ऐसे पड़ता है कि बंदर को भागना ही पड़ता है। मंकी वर्सेस कोमोडो ड्रैगन। आमतौर पर तो यही देखा जाता है कि बंदर बहुत फुर्तीला होता है और इधर उधर उछलता रहता है, लेकिन इसकी लाइफ में भी कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं जब इसे भागने का भी मौका नहीं मिल पाता। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, जहां एक बंदर लोहे की रेलिंग पर बैठा है, लेकिन वहीं नीचे एक कोमोडो ड्रैगन भी उसे अपना शिकार बनाने की पूरी तैयारी में बैठा है। वैसे कोमोडो ड्रैगन के बारे में आपको बता दें कि ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है और अपने शिकार को मारने में पल भर के लिए भी नहीं सोचती। इधर अचानक ही कोमोडो ड्रैगन उस बंदर के एक हाथ को अपने जबड़े में भर लेता है और उसे एक ही पल में रेलिंग से खींच कर नीचे ले आता है। अब बंदर खुद को बचाने की कोशिशें करने में लग जाता है, लेकिन कोमोडो ड्रैगन की ताकत के आगे उसकी एक नहीं चलती और वो हैवान उसे अपने जबड़े में दबा कर रख देता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, अब इस शिकारी के और भी साथी यहाँ आ जाते हैं और देखते ही देखते बंदर की जान निकाल देते हैं। मंकी वर्सेस क्रोकोडाइल। बंदर की लड़ाई जंगल के लगभग सभी जानवर से होना आम है, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह तो उछलता ही है, लेकिन साथ ही हर जानवर को छेड़ने में भी सबसे आगे रहता है। इसलिए तो आए दिन इसका मुकाबला किसी दूसरे जानवर के साथ होता ही रहता है। यहाँ भी एक बंदर एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ये नजारा किसी तालाब के किनारे का है, जहाँ एक मगरमच्छ ने उसके हाथ को अपने जबड़े में दबाया हुआ है। बेचारे बंदर का हाल कुछ ऐसा है कि वो चाहकर भी खुद को मगरमच्छ के मुंह से छुड़ाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। वो खुद को आजाद करवाने के लिए कई जतन करता है, लेकिन मगरमच्छ भी डेथ रोल टेक्निक का इस्तेमाल करके उस बंदर को खुद की पकड़ से छूटने नहीं देता। काफी देर तक दोनों जानवरों के बीच ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन बेचारा बंदर आजाद नहीं हो पाता। मंकी वर्सेस लेपर्ड। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि लेपर्ड जंगल का खतरनाक शिकारी है। जंगल में इसका रुतबा कुछ ऐसा है कि जंगली जानवर इसे देखते ही वहां से भाग जाते हैं। मगर सोचिए कि अगर इसका सामना किसी बबून से होगा तो आलम क्या होगा। जंगल में एक लेपर्ड दबे पांव आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल उसकी नजर अपने सामने से आते हुए बबून के ग्रुप पर पड़ चुकी है, और अब उन्हें अपना शिकार बनाने के इरादे से वो बहुत ही चालाकी से आगे बढ़ रहा है। जल्दी ही हम देखते हैं कि एक अकेला बबून नीचे बैठा हुआ जमीन पर बने गड्ढे में हाथ डालकर कुछ निकालने की कोशिश में लग जाता है। उस बेचारे को तो ये भी नहीं मालूम कि एक मुसीबत उसकी तरफ धीमे कदमों से बढ़ रही है। इतने में लेपर्ड सही मौका देखते ही उस बबून की तरफ पूरी रफ्तार से लपकता है, मगर इतने में बबून उसे देखकर वहां से भागना शुरू कर देता है। बबून की ये कोशिश वाकई में अच्छी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो लेपर्ड से खुद की जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाता और अपनी जान गंवा देता है। मंकी वर्सेस येलो थ्रोटेड मार्टिन।
जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बंदर के आतंक का शिकार जंगल का कोई एक जानवर नहीं है, क्योंकि ये तो हर किसी से उलझने में माहिर है। अपनी इसी आदत से परेशान एक बंदर यहाँ येलो थ्रोटेड मार्टिन यानी पीले गले वाले मार्टिन से भी उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही जानवर के बीच गहमा गहमी देखने लायक है। जहाँ बंदर इस कोशिश में है कि कैसे भी करके इस मार्टिन को सबक सिखाए, तो वहीं मार्टिन के मजबूत पंजे और नुकीले दांत भी बंदर को मार गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ देर तो दोनों के बीच लड़ाई बराबरी की होती है, लेकिन अचानक ही मार्टिन गुस्से में आता है और एक दमदार हमले के साथ बंदर को नीचे गिरा देता है। उसके गिरते ही मार्टिन उसे अपने जबड़े से पकड़ता है और घसीटता हुआ सड़क के किनारे पर ले जाता है। अब उसका हाथ बटाने उसका एक साथी भी आ जाता है और दोनों अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं। बेचारे बंदर को भी ये बात समझ आ गई होगी कि आज उसने गलत जानवर से पंगा ले लिया है। मंकी वर्सेस चिकन। बंदर की लड़ाई किसी बड़े जंगली जानवर के साथ होना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इसका पंगा मुर्गी जैसी छोटी जानवर के साथ भी हो सकता है? अगर आपका भी सोचना नहीं है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बंदर और मुर्गी के बीच में मुकाबला शुरू हो चुका है। बंदर उसे अपने पंजे से मारने की कोशिश में लगा रहता है, मगर मुर्गी भी कम नहीं है। वो भी उसके हमले का जवाब अपने मजबूत पंजों और नुकीली चोंच से देना जानती है। उसके इस खूंखार रूप को देख बंदर भी एक पल के लिए वहाँ से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वापस आकर फिर से उस मुर्गी से लड़ाई करना शुरू कर देता है। अब हम देखते हैं कि कुछ दूर पर खड़ा मुर्गा जैसे ही अपनी साथी को मुसीबत में देखता है तो तुरंत ही बंदर पर हमला करने के लिए वहाँ आ पहुँचता है। बंदर भी उसके आने से हैरान रह जाता है और भागकर एक पोल पर चढ़ बैठता है। खैर, जान बची तो लाखों पाए। मंकी वर्सेस कैट। खतरनाक हमले करने के मामले में जहां बंदर उस्ताद है, तो वहीं बिल्लियां भी किसी से कम नहीं होती, क्योंकि ये उन जानवरों में से आती हैं जिनके पंजे दमदार होने के साथ ही मजबूत और नुकीले नाखूनों से भरे होते हैं, और जब ये गुस्से में किसी पर हमला करती हैं, तो उसकी फिर खैर नहीं। इस जगह पर एक बंदर और बिल्ली नजर आ रहे हैं। बिल्ली एक जगह पर बैठकर कहीं देख रही है, तो वहीं बंदर पहले उसके सामने जाकर बैठ जाता है और फिर उसे चिढ़ाने की कोशिश करने लगता है। बंदर को ऐसी हरकतें करते देख बिल्ली को भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो फिर भी एक जगह शांत होकर बैठी रहती है। मगर उसका सब्र भी तब जवाब दे जाता है जब बंदर एक बार फिर उसे परेशान करने की कोशिश करता है। अब बिल्ली अचानक ही अपना खूंखार रूप दिखाती है और बंदर पर ही टूट पड़ती है। बिल्ली का ये वार इतना खतरनाक था कि बंदर को भी उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है और वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। बेबून वर्सेस चिंपैंजी। हमने बंदरों के दूसरे जानवरों के साथ लड़ाई के तो एक से बढ़कर एक हमले देख लिए, लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये जानवर अपनी ही प्रजाति के किसी और जानवर से भी लड़ पड़ता है। वैसे ऐसे मामलों में इनकी लड़ाई होती बड़ी दिलचस्प है। यकीन नहीं हो तो इस वीडियो को देखिए, जहां जंगल के सबसे खूंखार जानवरों में शामिल बबून अपनी ही बिरादरी वाले बंदरों की एक और प्रजाति चिंपैंजी से लड़ने के लिए पहुंच गया है। यहां आप देख सकते हैं कि कुछ चिंपैंजी और बबून्स साथ में बैठकर अपने सामने रखे फलों का स्वाद लेने में लगे हुए हैं, लेकिन चिंपैंजी के रवैये से ये बात भी साफ है कि वो बबून को ये फल खाने नहीं देना चाहता है। लेकिन जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो बात खत्म होने की बजाय दोनों जानवरों के बीच जंग की शुरुआत हो जाती है। लड़ाई की शुरुआत में तो बबून उस चिंपैंजी को देखकर भागता है, लेकिन अगले ही पल फिर मैदान में आता है और उस पर टूट पड़ता है। वो इस दौरान बार बार चिंपैंजी पर हमला करता है और फिर झाड़ियों में भाग जाता है, और ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है। बंदरों के ये हमले कितने खतरनाक होते हैं ये तो हम देख ही चुके हैं। बंदर अपनी फुर्ती और ताकत के दम पर कई बार तो जंग को जीत जाते हैं, लेकिन कई मौकों पर उन्हें हार का सामना भी करना पड़ता है। वैसे आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबाइए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।